गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के ट्री एंड ग्राफ के बारे में। तो आज हम ट्री और ग्राफ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर, तो हम सबसे पहले ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ट्री क्या होता है? ट्री एक नॉन प्रिमेटिव एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो अरेंज होता है सॉर्ट में, सॉर्टेड सीक्वेंस में अरेंज होता है, और इनका रिप्रेजेंटेशन हायरार्किकल्स फॉर्म में होता है। ठीक, सेवरल आइटम, मतलब बहुत से आइटम का, जो बहुत से डाटा टाइप होते हैं उनको हायरार्किकल फॉर्म में हम लिखते हैं। और उसके बाद में हम देख लेते हैं ट्री का क्या, देख लेते हैं कि कुछ टर्मोलॉजी होती है। टर्मोलॉजी मतलब जैसे कि इसको क्या कहते हैं ऊपर वाले को, और इसके ब्रांचेस को क्या कहते हैं, इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं, बहुत सारी है। फर्स्ट है रूट, उसके बाद में नोड है, डिग्री ऑफ नोड है, उसके बाद में डिग्री ऑफ ट्री है, टर्मिनल नोड है, नॉन टर्मिनल नोड है, सिबलिंग है, उसके बाद में फिर हमारा लीफ नोड है, एज नोड है, पाथ नोड है, डेप्थ नोड है और फॉरेस्ट नोड है। तो हम एक एक करके हम सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो हमने एग्जांपल दिखा रखा है आपको, जो पहली ये होता है ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे ऊपर वाला जो ए दिख रहा है आपको, उसे हम कहते हैं रूट नोड। यहाँ से ये ट्री स्टार्ट होता है। उसके बाद में हम जो ये लाइनें दिख रही हैं जिनसे कनेक्ट हैं दोनों ट्री, इनको हम ब्रांच या लिंक कहते हैं। और उसके बाद में हम फिर देखेंगे जो ये वाली लाइन है आपको दिखाई दे रही है, मतलब एक लाइन में जो होते हैं उन्हें लेबल कहते हैं। लेबल जीरो, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है लेबल, लेबल वन, उसके बाद में लेबल टू एंड लेबल थ्री, ऐसे करके कई लेबल में ट्री हमारी होती हैं। ठीक, अब कुछ हैं टर्मोलॉजी जैसे ये रूट, इसमें भी हमने आपको डिटेल में दिखा रखा है, थोड़ा बहुत इसमें भी दिखाया है रूट नोड। फिर इसका जो है ये सब ट्री है, लेफ्ट का लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, एफ का जो ये का जो लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट सब ट्री मतलब इसका सब ट्री है, और ये राइट सब ट्री है। अब लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं जो इसे रूट नोड बोलते हैं, और जो ये वाला है बी और सी ऐसे हैं, इनको इंटरनल नोड बोलते हैं, इंटरनल नोड में इन्हें हम नोड बोल सकते हैं। और जो लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट नोड बोलते हैं या लेफ्ट, और जो लास्ट में होता है उसे हम लीफ बोलते हैं, लीफ नोड। ठीक, तो हम एक एक करके टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम दिखा पा रहे होंगे कि पहला हमारा है डिग्री। तो डिग्री में हम देखते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है ना कि सब ट्री, हर ट्री का एक सब ट्री होता है और उसमें चाइल्ड नोड भी दिया होता है, मतलब सब ट्री नोड होता है और चाइल्ड नोड होता है। तो जो सब ट्री नोड होता है और चाइल्ड नोड होता है जो तो हम इनका, जैसे हमसे कोई पूछे कि इस ट्री का हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है, तो इस ट्री का डिग्री हमें बताने के लिए क्या करना होगा, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होते हैं उनको हमें देखना होगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हैं। तो हमें, हम देख रहे हैं जैसा कि मैक्सिमम नोड, हम क्या कहते हैं, जो नोड होता है वो रूट ट्री का सब ट्री होता है। जैसे नोड बी है, नोड सी है, नोड डी है, अब इनका नोड का लीफ होना कंपलसरी है, कहने का मतलब। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो लेवल में एक नोड है, और उसके बाद में फिर देखेंगे लेवल वन में, लेवल वन में तीन नोड हैं, और हर, देखो हर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तीन हैं। इसमें आप देखेंगे तो दो नोड हैं, इसमें आप देखेंगे तो दो नोड हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने नोड हैं, तीन नोड हैं। तो इसका मतलब, इसका
जो मतलब डिग्री होगा वो होगा 3 होगा। ठीक, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड होता है जो हमारा, वो टर्मिनल नोड में जैसे जिसका डिग्री 0 हो या फिर नॉन हो, 0 हो मतलब उसकी डिग्री, उसे हम टर्मिनल नोड या लीस्ट नोड कहते हैं। तो हम इसी ग्राफ में हम देख लेते हैं, जैसे अभी ऊपर वाला ग्राफ दिया है उसी में हम देख लेते हैं कि टर्मिनल नोड हमारे कौन कौन से हैं जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। तो देखो नीचे वाले जितने भी लीफ हैं, लीफ की सारी डिग्री 0 है। देखो जैसे एफ है, एफ एक लीफ है, लीफ नोड है, इसमें इसकी डिग्री 0 है। जे है, ई है, एल है, एम है, इन सारे नोड के क्या है, डिग्री है जो 0 है। तो ये सारे हमारे टर्मिनल नोड हैं, या इन्हें लीस्ट नोड भी हम कहते हैं। कुछ टर्मोलॉजी है नॉन टर्मिनल नोड, जैसे नॉन टर्मिनल नोड में होता है कि जिसकी डिग्री मतलब 0 ना हो, उसे हम नॉन टर्मिनल नोड कहते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा दें ऊपर वाले ग्राफ में, अब यहाँ पर बी सी, अब इन सारे की कुछ ना कुछ डिग्री हैं, ए की भी डिग्री है, और इन सारे की कुछ ना कुछ डिग्री हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे नॉन टर्मिनल नोड हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सिबलिंग की। तो जो सिबलिंग होता है, द चाइल्ड नोड ऑफ अ गिवन पेरेंट नोड या कॉल्ड सिबलिंग्स। तो जैसे कि जिसमें हम ऊपर ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जैसे हर एक चाइल्ड का एक पेरेंट होता है, जो पेरेंट होता है उसे हम सिबलिंग कहते हैं। बी का सिबलिंग्स ए, ठीक, ये वाला हमारा पेरेंट है बी का, और बी हमारा चाइल्ड है। और उसके बाद में एज की बात करते हैं, तो एज इज अ कनेक्टेड लाइन टू नोड्स, दो नोड के बीच में जो लाइनें कनेक्ट होती हैं उसे हम एज कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है पाथ। पाथ इट इज ए सीक्वेंस ऑफ अ कंस्टेंसिंग एज फ्रॉम द सीक्वेंस टू डेस्टिनेशन नोड्स। जो पाथ होता है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर पाथ की बात करें, तो ए से हमें बी तक आई तक मतलब आने में जो मतलब रास्ता है, या आने का जो नोड जो जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। तो ए का पाथ क्या है, ए से आई का पाथ, आई का क्या पाथ है, तो यहाँ से ए से बी एंड बी से आई, यही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा। ठीक है, एक ही पाथ ट्री में के नोड पर पहुंचने का मात्र, इसमें यूनिक पाथ होता है, एक ही पाथ होता है। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे लेबल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लेबल क्या होता है। जो ट्री होता है वो ट्री में जितने भी, जैसे कि ट्री का सब ट्री होता है, रूट से जितने भी, जैसे रूट हमारा होता है वो 0 लेबल से स्टार्ट होता है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, देन उसके बाद में हमारा लेबल 1 स्टार्ट होता है। ऐसे जो होता है उसे हम लेबल कहते हैं, आप पहले ही बता चुके हैं इसे। अब उसके बाद में हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट है, इट इज अ सेट ऑफ अ डिस जॉइंट ट्री। इफ यू रिमूव रूट नोड, देन इट्स बिकम फॉरेस्ट। तो जो हमारा फॉरेस्ट होता है, किसी ट्री में हम यदि रूट को रिमूव कर देते हैं तो हमारा वो फॉरेस्ट ट्री हो जाता है, और उसके बाद में फॉरेस्ट हो जाता है। उसके बाद में फिर हम डेप्थ की बात करें, इट इज़ अ मैक्सिमम लेबल ऑफ एनी नोड इन अ गिवन ट्री। जो मैक्सिमम लेबल मतलब दिए होते हैं ट्री के, लेबल होते हैं, लेबल हम आपको बता ही चुके हैं कि 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लेबल को काउंट कर लीजिए, जितने लेबल होंगे वो हमारे क्या होंगे, डेप्थ होंगे। अब हम अगले वीडियो में हम बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप के ट्री होते हैं। तो वीडियो आपको जो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर जाइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।